अब इसमें हम लोग डालेंगे ऑयल, तो इसमें हम लोग ऑयल डालेंगे क्योंकि जब चिकन बनेगा तो हम लोग को ज़्यादा ऑयल नहीं लगे, तो इसको हम लोग और थोड़ा तेल, बस तो अपने हिसाब से तेल डालिए क्योंकि चिकन जैसा रहेगा वैसे आपको तेल भी डालना है। अब इसमें हम लोग डालेंगे दही, तो दही थोड़ा डाठा एक पत्थर है हम देखे नहीं, तो कोई बात नहीं, इसको हाथ से ऐसे कर देने से टूट जाएगा, तो पूरा एक गोटा दही डाल दे रहे हैं, मतलब तो सादा दही है तो आप लोग भी सादा दही डाल दीजिएगा। इसमें क्या है, ना टमाटर की जरूरत पड़ेगा ना नींबू की जरूरत पड़ेगा, 10 रुपये दही में आराम से काम चल जाएगा। अब इसको हाथ से, मतलब अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैस करते हैं, तो हस्बैंड जी हेल्प कर दे रहे हैं उसके लिए, क्योंकि मुझे लगता तबीयत ठीक नहीं है, आप लोगों को तो दिखाई दिए कि मैं थोड़ा तबीयत ठीक नहीं, तो हस्बैंड जी थोड़ा हेल्प कर दे रहे हैं सानने में। तो चलिए इसको सानने देते हैं, अच्छी तरह से मेल्ट करने देते हैं, फिर दिखाते हैं। यम्मी द टेस्टी दिख रहा है, चिकन बिना मसाला सब्जी कर देते हैं, और देखिए कैसा लग रहा है आप लोगों को बताइए, और बहुत अच्छी तरह से पक चुका है, एक भी टुकड़ा नहीं हुआ, एक भी नहीं। देखिए गाँव में रहते हैं वो लोग तो खाते ही हैं, और टाउन का नहीं बता सकते, पर हम लोग खाते हैं ऐसे। वाओ आई लाइक इट। सो ही गाइस, गुड आफ्टरनून आप सबको, आप सब कैसे हो, आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज बहुत दिनों के बाद हम ब्लॉग चालू कर रहे हैं, जैसे कि आप लोगों को कल हम लाइव आके बोले थे कि जैसे कि सावन वन सब ख़त्म हो चुका है, और सावन ख़त्म हो चुका है, और अभी आज मैं संडे है तो मैं आज फ्रेश ब्लॉग आप सबको दे रही हूँ, और मेरा जो इस हाल में आप लोग इग्नोर करना क्योंकि मेरा ना सर दर्द, सर्दी और चक्कर सा आ रहा है, एकदम अच्छा नहीं लग रहा है, मेरा बहुत सर दर्द फट रहा है, मेरा देख सकते हो। तो फिर भी मैं आप लोगों के लिए एक ब्लॉग लेके आऊँगी, डालूँगी, क्योंकि बहुत दिन हो गया मैं आप लोगों को ब्लॉग नहीं दे पा रही हूँ। तो आज के हमारे चिकन बहुत इजी, बहुत सिंपल, बहुत आराम से कोई भी ऐसे बना लेगा। तो पहले हम लोग सारा कुछ एक जगह कर लेते हैं चिकन का, और चिकन उकन सब में ला ली, खाना खाई कि नहीं, मेरा तबीयत नहीं खाया, नहीं खाओगे, नहीं भूख नहीं लग रहा। तो चलिए अभी हम लोग बनाते हैं चिकन। चिकन आ चुका है हमारे घर पे, तभी मैं ला के थोड़ा आराम कर ली दवाई खा के, तो थोड़ा भी अच्छा लग रहा, तो मैं सोची चलो चिकन हम अभी हम लोग बना लेते हैं। तो देखते हैं क्या क्या सामग्री है, क्या क्या नहीं है, आप सबको दिखाएंगे, और कैसे बनाएंगे और कैसे नहीं बनाएंगे ये भी दिखाएंगे आप सबको। तो चलिए चलते हैं हम लोग किचन में। तो चलिए, तो गाइस देख सकते हो हम लोग तभी में गए थे, तो आधा किलो चिकन लेके आए, और अभी इसको हम लोग निकाल देते हैं, फ्रिज में हम रख दिए थे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था तो इसीलिए हम इसको रख दिए थे फ्रिज में। तो अभी इसको हम लोग अच्छा से धोएंगे पहले, देखिए तो ताज़ा है, और इसमें क्या क्या लिखाए हैं, ओ टंगड़ी भी है साथ में, दो टंगड़ी मांगे हैं कि हमको टंगड़ी दो बोल दिया, देखिए और दही भी लेकर आया साथ में, और कैसे बनाएंगे कैसे नहीं बहुत इजी तरह से बनाएंगे, चलिए आप सबको दिखाते हैं। और चलिए पहले इसको धो के लेके आते हैं। तो गाइस हम लोग आ गए इस रूम में, और देखते हो हम चिकन धो के लेके आ गए हैं, और चिकन धोने के बाद बड़ी दिनों के बाद चिकन ब्लॉग आप सबको मिलेगा, और टेस्टी टेस्टी यमी यमी। तो ये है सारा सामग्री जो चिकन में अभी डलेगा, तो चलिए सबसे पहले इसमें डालते हैं। तो गाइस प्याज एक ठो बड़ा 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 प्याज एक ठो काट के डाल दिए इसमें, नहीं दिखाया आप लोगों को प्याज नहीं लाए थे बोल के। तो सबसे पहले अब इसमें हम डालेंगे हल्दी 2 चम्मच, क्योंकि कलर आना चाहिए, चिकन में कलर नहीं आता ना, बस। अब इसमें डालना है हम लोग को धनिया पाउडर 2 चम्मच। अब इसमें हम लोग को डालना है चिकन मसाला, जो MDH का चिकन मसाला है, 1.5 चम्मच चिकन मसाला। अब उसमें डालेंगे, हम लोग को स्पाइसी खाने का आदत है तो हम लोग अपने हिसाब से मिर्च पाउडर डाल रहे हैं, आप लोगों को खाने का मन करे तो आप लोग भी डालिएगा, क्योंकि हम लोग मिर्चा तीखा नहीं, इसलिए मिर्च पाउडर डाल रहे हैं। तो इसमें है मिक्स मसाला, जो सारे मसाले दिए हुए हैं, इसको डालने से और ज़्यादा स्वादिष्ट बढ़ जाता है, बस 1 चम्मच। अब इसमें हम लोग डालेंगे
जो हम लोग पीसे हैं घर पे, देख लीजिए अदरक लहसुन जीरा गोलकी प्याज मिर्चा पूरा सब कुछ, तो इसमें अपने हिसाब से चिकन देके मसाला उतना डालना है, ज़बरदस्ती नहीं डालिएगा, बस उतना काफ़ी है क्योंकि हम लोग गुंडे मसाले भी डाल रहे हैं। तो गाइस देख सकते हो पूरा हम लोग सामने मेल्ट हो गया, और तो उसके बाद अभी हम लोग डालेंगे नमक, क्योंकि नमक अभी डालेंगे तो चिकन में घुस जाएगा तो खाने में टेस्टी और स्वादिष्ट लगेगा। तो अपने स्वाद अनुसार आप लोग नमक भी डाल दीजिएगा, और अभी डाल के इसको अभी हम लोग क्या करते हैं ये भी दिखाते हैं। तो गाइस मिक्स हो चुका हमारा चिकन, तो अभी मिक्स होने के बाद इसको अभी हम लोग ढक के रख देते हैं कम से कम 20-25 मिनट इसको ढक के रख देते हैं, ऐसा भी क्या पूरा अच्छी तरह मसाला चिकन के अंदर जाएगा, चिकन खाने में इतना स्वादिष्ट लगे, इतना स्वादिष्ट लगेगा ना आप लोग उंगली चाटते रह जाओगे। तो मैं जैसे बोल रही हूँ वैसे बनाइएगा तो आप लोगों को बहुत टेस्टी लगेगा चिकन, आप लोगों को बार बार खाने का मन करेगा, तो मुंह नहीं मारेगा ऐसा चिकन बनेगा। तो गाइस अभी हम लोग मतलब मिक्स करके अभी रख दिए हैं 15-20 मिनट तक, तो तब तक हम एक ठो टंगड़ी बचा हुआ था, एक ठो वाइटी को दे दिया, एक ठो हम खा रहे हैं। मुझे जला हुआ खाना मतलब जला हुआ मुर्गे का टंगड़ी बहुत पसंद है, आई लाइक इट, आप लोग भी ऐसा खाओ। अब देसी लोग तो खाते हैं मतलब जो गाँव, चलो आप सब बने रहे तब तक, मिलता है 15-20 मिनट बाद। तो चलिए गाइस अभी हमारा एक घंटा आधा घंटा से ज़्यादा हो गया चिकन, तो अभी हम चलते हैं किचन, और किचन में देखते हैं हमारा चिकन का हाल क्या हुआ है। सुबह से जाके अभी जाके इतना थोड़ा सा दही मतलब चावल खाया, क्या खाया, और दाल चावल खाया तो अभी अच्छा लगा, और थोड़ा भी अच्छा लग रहा, बुखार भी उतर गया है, बस सिर दर्द है हल्का हल्का वो भी चले जाएगा। तो चलिए किचन तरफ चलते हैं, अभी हम लोग बनाते हैं चिकन। तो गाइस देख सकते हो कितना अच्छा सोंदा सोंदा महक रहा है, मस्त टाइप का चिकन एकदम हो गया। अभी कढ़ाई भी चढ़ा ली हम लोग, हम लोग का काला कढ़ाई। तो गाइस इसको इजी तरह से कैसे पकाया जाता है तो देख सकते, अभी हम डालेंगे सरसों का तेल, जो मैंने सरसों का तेल ऑलरेडी इसमें डाले हैं तो इसमें और सरसों का तेल पड़ेगा, तो हमने सरसों का तेल डाल दिए क्योंकि इसमें ऑलरेडी सरसों का तेल बहुत ज़्यादा पड़ चुका है। तो अभी हम इसको रख देते हैं और थोड़ा कढ़ाई को गर्म होने देते हैं, और आपको गरम मसाला गोटा गरम मसाला से बनाना, गोटा गरम मसाला से मलाई, हम तो गुंडा वाला गरम मसाला से बनाते हैं, तो इसको पहले गरम होने दो बहुत अच्छी तरह से, उसके बाद से खुशबू निकलेगा धुआं निकलेगा तब जाके इसमें डालेंगे हम लोग चिकन, जो इसमें सारा कुछ रेडी है और बनने में ज़्यादा देरी नहीं, सिर्फ 25-30 मिनट लगेगा। तो हमारा कढ़ाई से एकदम धुआं निकल चुका है, हम देख सकते हैं धुआंधार। अब इसमें डालते हैं चिकन, डाल दीजिए ना जी, ओए डाल दो। अच्छा से मिला लेते हैं तेल में हम लोग, देखिए चिकन एकदम पूरा रेस्टोरेंट के सब खिलाएगा, ये कच्चे कच्चे प्याज भी डाले ना इसलिए, तो हमारे लेग पीस भी है। तो गाइस आ चुके हैं, तो हम लोग इसको थोड़ा छोड़ चुके थे, तो देख सकते हो कितना अच्छा दिख रहा है चिकन, आप लोग भी देख सकते हो इतना अच्छा खुशबू आ रहा है कि क्या बोलेगी। अभी ऐसे लग रहा है कि पूरे निकाल के खा लेते हैं, थोड़ा मसाला कच्चा है तो इसीलिए भी निकाल के नहीं खा सकते, इसको भी हम और थोड़ी देर इसको फ्राई करेंगे। तो हमारा बनाने का तरीका सबसे अलग है, तो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर से। तो चलिए इसको और थोड़ा पकने देते फिर मिलते हैं हम लोग। तो गाइस देख सकते हैं हमारा चिकन बहुत अच्छी तरह फ्राई हो गया है, तो देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह बहुत यम्मी हो रहा है, और खुशबू भी एकदम मटन वाली, हमारे चिकन बना और मटन खाओ। तो आइए आप लोगों को भी खिलाएंगे चिकन लाग पीस। तो चलिए इसमें अब हम लोग पानी डाल देते हैं, तो हम तरी वाला खाते हैं तो हम लोग तरी जैसा पानी डालेंगे। वाओ ऐसा होना चाहिए चिकन, और थोड़ा डाल देते हैं हल्का सा क्योंकि हम लोग दाल वाल तो बनाते नहीं, तो खाना में हम एक ही सब्जी खाते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा डबकने दीजिए, उसके ऊपर डालेंगे हम लोग गरम मसाला। तो गाइस हमारा खोल दिया थोड़ा सा 5 मिनट में गर्मी के माले हम, अब इसमें वो डालते हैं गर्म मसाला थोड़ा सा, क्योंकि हम ज़्यादा गर्म मसाला नहीं खाते, बस आप लोग की रेसिपी की वजह से हम गर्म मसाला डालते हैं। मसाला डल चुका है, अब इसमें